हेलो दोस्तों तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि आर्गेन का इंट्रोडक्शन ठीक है जिसमें हम लोग टाइटल टाइटल टेक्स्ट पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने ऑडे सपेरे पढ़ा था यह समझाते इसके पहले होरेस्र ने यूज़ किया था उसके बाद हनीमैन सर ने आर्गेन ऑफ मेडिसिन सेकेंड एडिशन में यूज़ करने से पहले यूज़ किया था अपने वाट इज पॉइजन वाट इज मेडिसिन जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेन वर्ड की मीनिंग क्या होती है और मजूमदार सर कहते क्या थे कि अगर मटेरे मेट का हमारा घोड़ा है तो उसकी जो लगाम होती है वो हमारी ऑर्गेन होती है ठीक है और ऑर्गेन वर्ड की मीनिंग क्या होती है उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसलेटर प्रिफेज बाई आरी डुडचें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तो इसमें पढ़ेंगे क्या तो हमें ये जो ट्रांसलेटर प्रिफेज इसको पढ़ने में हमें पता लगेगा अपेंडिक्स का फ़ायदा क्या होता है अपेंडिक्स हमें पढ़ना क्यों चाहिए और जो हमारे ऑर्गन के कौन कौन से एडिशन कब कब पब्लिश हुए थे और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे और जो प्रिकर्सन ऑफ ऑर्गेनन है वो क्या क्या है ये हमें ट्रांसलेटर प्रिफेज में पढ़ने को मिलेगा जो कि मार्च 1893 थ्री में आर डुर्जियन सर ने लिखा था ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दिस न्यू एडिशन ऑफ माई ट्रांसलेशन ऑफ द ऑर्गेनन आई हैव कम्प्लीटली रिवाइज द टेक्स्ट ये कौन लिख रहा है ये आर ई सर लिख रहे हैं कि ये जो नया एडिशन है जो ट्रांसलेशन है किसका ऑर्गेन का मैंने आई हैव कम्पलीटली मैंने कम्प्लीटली रिवाइज किया है पूरे के पूरे टेक्स्ट को इन ऑर्डर टू मेक इट स्टिल मोर एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल ताकि इसे क्या बनाया जा सके एग्जैक्टली exactly वैसा बनाया जा सके जो कि ओरिजिनल है क्योंकि हनुमान साहन ने जर्मनी में लिखी थी इसके ऑर्गेजन ठीक है आगे आई हैव view इंडिकेटेड द forth व्यू एस सेट on इन दू principle एंड द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है और मैं इंडिकेट करता हूँ अपना व्यू किसके ऊपर इससे आने न्यू प्रिंसिपल जो कि 1796 में पब्लिश हुई थी एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1805 में पब्लिश हुई थी बोथ ऑफ विच इससे मे बी रिगार्डेड एज द प्रकर्सर ऑफ द ऑर्गेनन तो हमारे लिए प्रकर्सर ऑफ ऑर्गेनन कौन कौन सी दो बुक थी इससे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्योरिटी पावर ऑफ द मेडिसिन ये फुल बुक का नाम था जो कि 1796 में हनीमैन सर ने लिखा था और मेडिसिनल एक्सपीरियंस जो कि 1805 में हनीमैन सर ने लिखा था ठीक है आगे आई हैव एडेड हनीमैनस लेटर ओपिनियन ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स ट्रीटेड ऑफ इन दिस वर्क और मैंने ऐड किया हनीमैन सर के ओपिनियन लेटर मतलब फॉर्मल मतलब पहले का होता है और uh, लेटर मतलब होता है बाद का हनीमैनस मतलब हनीमैन सर का जो बाद का ओपिनियन है बहुत सारे सब्जेक्ट को ट्रीटेड ऑफ इन दिस वर्क जो उन्होंने इस वर्क में यूज किया था ट्रीट करने के लिए पेशेंट को वो मैंने सारे व्यू लिखे हुए हैं आगे इन द ग्रोथ ऑफ सच ए कॉम्प्लेक्स थिंग एज ए न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट वॉज इन इविटेबल डेट देअर शुड बी कंसिडर्ड अल्ट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट इफेक्टेड इन ए कोर्स ऑफ फोर्टी एट ईयर द टाइम अकुपाइड बाई द हनी मैन इन द एलेबरे डॉक्टर ये जो कॉम्प्लेक्स थिंग की जो कि क्या था एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन था इसकी जो ग्रोथ हुए थे तो उसमें जरूर ही अल्टरेशन और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ होगा कितने सालों में फोर्टी एट ईयर में जो कि हनुमान सर ने अकुपाई किया था कैसे अब इसको समझते हैं तो हुआ क्या था कि हनुमान सर भी एक ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर थे बट उन्हें उतने डिजायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिस सस्पेंड करके हम छोटी समरी बता रहे हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री की कि उन्होंने ए, उनका क्या नाम है अपनी प्रैक्टिस बंद करके स्टार्ट कर दिया था ट्रांसलेशन का ठीक है जब ट्रांसलेशन का स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने वो कुलेंस की मटेरिय मिटका वाली कहानी पढ़ी कि ये बिटर टेस्ट की वजह से होता है तो धन्यमान सर ने उसको ले लिया अपने को प्रूविंग के लिए तो उसके बाद उनके अंदर सिम्टम आए तो उनके मन में उस समय वो आया बट क्या तुरंत उन्होंने समझ लिया कि ये सिमिलिया सिमिल है नहीं उसके बाद वो कंटिन्यू पाँच छः सालों तक डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के भी पढ़ते रहे जहाँ पर उन्हें देखने को मिला कि ये जो सिमिलिया वाली चीज़ है बहुत सारे राइटर्स जो एलोपैथ डॉक्टर थे या ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस हैं उन्हें भी देखने को मिल रही है तो जैसे वो ट्रांसलेशन करते तो उन्हें वहाँ वो चीज़ देखने को मिलती थी जैसे कोई बुक ट्रांसलेशन करते थे वो तो उसके बाद वो उसके नीचे ना अपने नोट्स लिख देते थे जैसे अगर तुम कोई बुक पढ़ो ठीक है और तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ गलत लिखी है तुम उसके ना अपने नोट्स बना लेते हैं ना तो किताब के नीचे ही उसके नोट्स लिख लेते थे जिसे एनोटेशन बोलते थे तो वहाँ पर वो ऐसे काम कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे किए तो उनके मन में धीरे धीरे ये जो आइडिया डेवलप हुआ उसके बाद उन्होंने सेवेंटीन uh, नाइन्टी में ये लिखा था एस ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन ये बुक का एस का फुल टाइटल का नाम था ठीक है उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखी थी तो वही कह रहा रहे हैं डर कि ये जो 48 ईयर का उनकी जो जर्नी है ठीक है बात की स मेटेरिय मेटिकल से लेकर सारे बात की ये जो फोर्टी एट ईयर की जो जर्नी है इसके अंदर कंसिडरेबल अल्टरेशन है इम्प्रूवमेंट इफेक्टेड खास अच्छे खासे अल्टरेशन हुए होंगे और इम्प्रूवमेंट हुए होंगे जो कि ऐसे फिनोमिना है एक इनइविटेबल है इनईविटेबल मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता वो होकर ही रहेगा तो हनुमान सर के जब माइंड में आया एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो उसके अंदर अल्ट्रेशन और इंप्रूवमेंट दोनों हुए और क्यों हुए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कोई भी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे ठीक है जैसे हम लोग की राइटिंग स्टाइल होती है हम लोग बचपन से लिखना शुरू किया तो हम लोग राइटिंग अपनी इम्प्रूव करते हुए जाते हैं ना तो मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता वो हुआ तो वही चीज़ है इनिविटेबल फोर्टी एट टी जो कि टाइम अकुपाई किया था हनीमैन सर ने किस चीज़ के लिए इन द एलेबोरेशन ऑफ हिस नॉवल डॉक्ट्राइन और प्रैक्टिस जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे और ये जो नई डॉक्ट्राइन दे रहे थे हनी मैं उसके अंदर आगे पढ़ते हैं हिस्स फर्स्ट आइडिया ऑफ होम्योपैथिक रूल ऑफ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिम वाइल्ड ट्रांसलेटिंग कुरेन्स मटीरियल मेडिकेशन सेवनटीन नाइन्टी ये सबसे पहला आइडिया आया यहाँ से बट इसके बाद भी छ साल की उनकी लाइफ हिस्ट्री है ना ये आ, आ, न्यू प्रिंसिपल एस से लिखने वाला ऑन प्रिंसिपल फॉर पावर मेडिसम ये लिखने से पहले जो बीच का टाइम स्पेंड था छः साल का उसके अंदर भी हनुमान साहब ने बहुत मेहनत की थी समझने के लिए कि ये कैसे हो रहा है ठीक है एंड विच ही प्रोपाउंडेड द होम्योपैथिक थेरेपिटिक रूल एज एट बिलीव्ड बाई हिम टू बी द ओनली पार्शियल अप्लीकेशन विच टू सम डिजीजेस तो हनीमैन सर ने ये तो समझ लिया और उसका प्रैक्टिस करना धीरे धीरे शुरू कर रहे थे बट उस समय हनीमैन सर के ये बिलीव था ये सिर्फ पार्सियल ही काम करती है ठीक है कुछ क्रॉनिक डिजीज में वॉज पब्लिश इन सेवनटीन जब वो सेवनटीन में कर रहे थे नाइन ईयर आफ्टर दिस विज इन एट्टीन जीरो फाइव दिन ऑफ एक्सपीरियंस ही इनसेड द रूल विथ सो नो सच लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेबल्टी मतलब असरटेनिंग पावर एस से ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन सेवनटीन नाइनटी सिक्स में जब उन्होंने पहली बार लिखा था ये इससे तब उन्होंने कहा था ये जो सिमिलियर सिमिलबस वाली चीज है इसकी लिमिटेशन है बट जब वो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखे अट्ठारह सौ पाँच में तो उन्होंने खुद ही बताया कि नहीं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ये बढ़ती रह सकती है देर इज़ नो लिमिटेशन ठीक है इसके अप्लीकेटी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो जैसे इन्होंने इधर नाइन्टी सिक्स टेन जीरो फाइव में नौ साल में क्या हुआ उन्होंने अपने थाट को चेंज किया ना तो वही चीज़ है कि जो भी अल्ट्रेशन या इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने अपने मेथड में वो कैसा होता है एक इनिविटेबल है। आगे समझ में आगे पढ़ते हैं दिस एस से कंटेन मच ऑफ वाट सॉरी सॉरी दिस एस से कंटेन मच ऑफ वाट वी फाइंड इन द फर्स्ट एंड लेट लेटर एडिशन ऑफ दर्गेनिज और ये जो एस से था इसने पहले से आखिरी एडिशन तक में अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई थी द फर्स्ट एडिशन ऑफ लेटर व अपेयर इन एटेन टें जो कि हम लोग को याद ही रहता है कि पहला एडिशन दूसरा तीसरा चौथा पांच सौ और छठा एडिसन कब कब पब्लिश हुआ था पहला एडिशन अठारह सो दस सेकेंड एडिशन कॉमा डिफरिंग वेरी कंसिडर फ्रॉम फर्स्ट वॉज पब्लिश इन एटीन तो पहले एडिशन से जब दूसरे एडिशन में लिख रहे थे तो उसके अंदर बहुत सारे चेंज हुए जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गिलर्ट की जो पोयम थी जो उन्होंने ऑर्गेन मेचिन के टाइटल टाइटल पेज में लिखी थी उसको चेंज करके वहां पर उन्होंने हनुमान सर ने क्या लिख दिया था ऑडे सपेरे ठीक है आगे और जो जो चेंजेस हुए थे जैसे कंटेंट कब ऐड हुआ आइसोपैथिक कौन से ऑर्गेन में ऐड हुई एलोपैथिक टर्म सबसे पहले कहाँ यूज़ करना शुरू किया पांचवा जो एफोर्जियम है उसको कहाँ ऐड किया तो जब हम ट्रांसलेटर प्रिफेस पढ़ाएंगे ना तब तो वहाँ पर हम उसको बताएंगे ठीक है यहाँ पर नहीं बताएंगे वहाँ सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जब हम ट्रांसलेटर प्रिफेस फर्स्ट पढ़ाएंगे जब हम सेकेंड पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इसमें क्या क्या ऐड हुआ था क्या क्या एलिमिनेट किया गया था ठीक है तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं थर्ड थर्ड एडिशन हार्डली डिफर एट ऑल फ्रॉम द प्रीवियस किया गया था न्यू थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बी एट द डेट ऑफ एटीन ट्वेंटी थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड द डायमाइजेशन ऑफ मेडिसिन द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स और डाइनमाइजेशन ऑफ मेडिसिन इसको हम वाइटल फोर्स जब पढ़ रहे होंगे तब तो हम वहाँ पे स्टूर्ट क्लॉस सर का व्यू भी बताएंगे कि वाइटल फोर्स का वाइटल प्रिंसिपल कहाँ यूज किया गया क्यों यूज किया गया कैसे यूज किया गया ठीक है एन एम सर के व्यू बताएंगे और मॉडर्न व्यू भी बताएंगे कि वाइटल प्रिंसिपल वाइटल फोर्स का व्यू क्या है मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्थर डिफर, 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 का व्यू बताने के बाद एक फिर उसको कंबाइन कर देंगे ताकि समझ में आए कि वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल क्या है आगे इन द प्रीवियस एडिशन हनीमैन हैड इन सेवरल प्लान स्पोकिन स्लाइटिंगली ऑफ द वाइटल फोर्स एंड इट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीज बट दीज एक्सप्रेशन आर आईदर इलिमिनेटेडली मॉडिफाइड इन द लास्ट एडिशन एंड द्वारिट एंड इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन रिगार्ड टू द डिजीज इट्स कॉल एंड क्योर ठीक है तो वही बता रहे हैं कि हनीमान सर के जो प्रीवियस एडिशन है इन सेवरल प्लेस बहुत सारी जगह पे स्पोक की क्या वाइटल फोर्स के बारे बारे में थोड़ा बहुत बट उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर चेंज किया और बहुत सारे अपने पोजीशन चेंज किए डिजीज के ओर और उसके कॉज के बारे में आगे द डॉक्ट्राइन ऑफ मेडिसिन बाय द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस पोकुलर टू द होम्योपैथी विच हैड ऑनली बीन हिंटेड एट इन प्रीवियस एडिशन और जो डॉक्ट्राइन ऑफ डाइनमाइजेशन था वो उन्होंने बताने से पहले अपने जो पुराने एडिशन थे उसके अंदर सिर्फ हिंट किया था बट अल्टीमेटली आके उन्होंने बाद में लिखा है ठीक है जो कि हम लोग पढ़ते हैं किसमें uh, वाइटल फोर्स और डायनामाइजेशन वाला फिफ्थ एडिशन में आगे द डॉक्टराइन ऑफ आगे पढ़ते हैं इज इन इट्स एडिशन डिस्टिंगली स्टेटेड

पांचवें एडिशन में, में हनीमैन सर का क्या मानना है दवा को रिपीट कैसे करना है और छठे एडिशन में दवा को कैसे रिपीट करना है ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डोज में यहाँ पर जो लाइन लिखी नहीं है कि जो चेंजेस हुए हैं वो चीज़ हम लोग वहाँ के मेन टॉपिक में पढ़ेंगे तब उस समय हम याद दिलाएंगे तुम्हें कौन सी चीज कि ट्रांसलेटर प्रिफ्रेस में देखो यहाँ पर वहाँ पर बताया गया था ठीक है आगे द लास्ट नेम्ड पॉइंट आर स्टिल फर्दर मॉडिफाइड इन हनीमैन लेटर वर्क ऑन द क्रॉनिक डिजीज

यहाँ से पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या अपेंडिक्स गिव अ डिटेल हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो अपेंडिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमें डिटेल हिस्ट्री देती है किस बारे में कि हमारा जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसकी ओरिजिन कैसी हुई इसकी ग्रोथ कैसी हुई और इसकी प्रोग्रेस कैसी थी ठीक है तो अगर कोई भी वायम पूछ सकता है कि अपेंडिक्स का यूज क्या है ठीक है अपेंडिक्स पढ़ते क्यों है तो हमें बताना पड़ेगा कि ओरिजिन ग्रोथ और जो प्रोग्रेस है हमारे होम्योपैथिक सिस्टम की वो हमें अपेंडिक्स में ही पढ़ने को मिलती है इन द माइंड ऑफ ऑफ इट्स ऑथर जो कि ऑथर के माइंड में थी जैसे हमने लास्ट उसमें दिखाया था तुम्हें कि गलाट के पोय जो आर्टिस्ट सर्ड यूज किया गया था तो वो अपेंडिक्स के टाइटल पेज में देखो ब्रैकेट में बताया नहीं गया था वैसा ही है चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये जो अपेंडिक्स वाला था डिटेल हिस्ट्री इसके बाद वाला पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट है उसके बाद वाले पैराग्राफ पे आते हैं जहां पे लिखा है आई एम इन टू डॉक्टर रिचर्ड फॉर सेवरल एमेंडेशन ऑफ माई फर्स्ट ट्रांसलेशन डिप मतलब होता है डी बी टी डी डिप मतलब होता है किसी का उधारी होना एक तरीके से तो आर्य डुटन सर कहते हैं कि मेरे ऊपर उन्होंने बहुत एहसान किया उनका बहुत उधार है टू डॉक्टर रिचर्ड किसका डॉक्टर रिचर्ड ह्यू सर का फर्स्ट सेवर एमेंडेशन और माई फर्स्ट ट्रांसलेशन मेरा जो पहला ट्रांसलेशन था उसके अंदर जो उन्होंने बहुत सारे सेवरल एमेंडेशन का मतलब था करेक्शन किया उन्होंने मतलब आर्य डर ने जब मैंने ट्रांसलेशन किया था पहला उसके अंदर जो उन्होंने बहुत सारे करेक्शन किए थे उसके लिए मैं रिचर्ड ह्यूज सर का बहुत ज्यादा क्या हूं mm. रीडिंग हूं एग्जैक्ट वर्ड बोला जाए आगे वेयर बाय द ऑथर्स मीनिंग हैज रेंडर्ड मोर एग्जैक्ट एंड क्लियर जहां पर ऑथर की जो मीनिंग थी बहुत ही क्लियर हो चुकी थी आगे सेमी कॉलम ऑल्सो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ हनीमैन हनीमैन कोटेशन एंड फॉर द आइडिया ऑफ

क्या नाम है अंडरलाइन कर लो कंपेरेटिव टेबल और कंकॉर्डेंस ऑफ एफोरिजम जिसमें ये पूछा जाएगा कंकॉर्डिस्ट ऑफ एफोरिजम किसने दिया था या फिर कंपेरेटिव टेबल किसने बताई थी वो बुक सॉरी वो चीज़ पब्लिश किस में हुई थी तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में पब्लिश हुई थी कंकॉर्डेंट ऑफ रोपेटिव या फिर कंपेरेटिव टेबल मतलब एफरिजम का जो कंपेरेटिव टेबल है इसका आइडिया किसने दिया था डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज सर ने ठीक है ये ये सारी चीज़ें बता कर रहा है ये आरी डर्जियन सर बता रहे हैं और जो अपेंडिक्स वाला पार्ट था तो हम लोग पढ़ते हैं पांचवा जो एडिशन है उसका जो अपेंडिक्स किसने किसने लिखा था आरी डर्जियन सर ने और रिचर्ड ह्यूज सर ने ठीक है तो वही वाले रिचर्ड ह्यूज सर हैं जिसको कहते हैं आरी डर्जियन सर कह कि मैं उनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें दी

मतलब जो रेफरेंस दिया गया है जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहला पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ा हो तो वहां पे ब्रैकेट में छोटे छोटे ए लिखे होते हैं तो वही कहते हैं ये जो ए है ये हमें पढ़ने को कहाँ मिलेगा अपेंडिक्स में पढ़ेगा तो वही लिखा है द लेटर आर कन्फाइंड टू द कोटेशन इन द अपेंडिक्स ठीक है वो हमें अपेंडिक्स में पढ़ने को मिलेगा मार्च एटीन नाइनटी थ्री ने इसको लिखा था ठीक है अब हम लोग का अगला लेक्चर होगा प्रीफ्रस्ट टू द फर्स्ट एडिशन जहाँ पे हम बताएंगे उसमें कितने फोर्जम थे टाइटल का नाम क्या था और उसमें क्या ऐड किया गया था इसी तरह हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पढ़ने के बाद हम लोग सीधा फोर्जम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज की क्लास खत्म अगली क्लास हम लोग प्रिफियंस टू द फर्स्ट एडिशन की करेंगे